नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और टेक केयर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरे पास है एटॉमिक ओएस, वो भी रेडमी नोट 4 के लिए और एक दिन और एक नया रोम। आप लोगों के साथ साथ मैं भी पजल हो चुका हूं कि कौन सा रोम यूज़ करूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये रोम भी अच्छा है, ट्राई करने के लिए अच्छा है, स्टेबल भी है, डेली ड्राइवर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो फोकसिंग के लिए, सॉरी। और नौगढ़ में चल रहा है तो कॉमन था, क्योंकि नौगढ़ अगर नहीं चलता तो मैं वीडियो नहीं बनाता शायद। और इसके बाद अगर मैं डेवलपर ऑप्शन की बात करूँ तो नौगढ़ में आपको जो भी डेवलपर ऑप्शन मिलने वाला है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और वेट करते हैं MIUI 9 नौगढ़ के लिए, जो Redmi Note 4 में शायद आएगा, कब आएगा पता नहीं। एनीवेज 1.3 GB का फ्री रैम मिलता है फर्स्ट बूट में और ये काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद अगर मैं कहूँ मैगिक्स मैनेजर की, ओके तो पहले डिस्प्ले में आते हैं, डिस्प्ले को मैं पहले दिखा दूँ। तो नाइट लाइट में जो रीडिंग मोड है, एक्चुअली आप लोग जानते हो Xiaomi में था रीडिंग मोड, वही यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है नाइट लाइट के नाम से। और इसके अलावा फ्रंट साइज आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, और वो आपकी मर्ज़ी कितना आपको चाहिए। डिस्प्ले साइज़ भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आपकी मर्ज़ी से। और इसके बाद मैं आऊँगा मैगिक्स मैनेजर में। प्रॉब्लम था कि पहले जब मैंने मैगिक्स मैनेजर ओपन किया तो अपडेट के लिए चेक कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उसके बाद इसने दिखाया कि लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इसके बाद इसने फिर दिखाया कि अपडेट चाहिए इसको। पता नहीं ये क्या कर रहा है, सीरियसली पता नहीं। लेकिन लाइब्रेरी में तो हम लोग घुस सकते हैं और वहाँ पे हम लोग फ़ोन में यानी कि रोम में थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी है इसका कस्टमाइजेशन हब। यहाँ पे मीडियम किस्म का, मैं कहूँगा मीडियम किस्म का कस्टमाइजेशन दिया है। यही चीज़ जो है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। ऑलरेडी तीनों नेविगेशन बटन्स है तो उसके बाद क्यों ऑन स्क्रीन देते हो यार। डबल टैप टू स्लीप एनीवेयर काम नहीं करता है, लेकिन मैंने वहाँ पे टच नहीं किया है। यहाँ पे कह रहा है कि लॉक स्क्रीन में कोई भी जगह पर टैप करो तो लॉक स्क्रीन में चला जाएगा, ऐसा कुछ लेकिन हुआ तो नहीं। अब देखना होगा ये नेक्स्ट बिल्ड में सही होता है या नहीं। और मैगिक्स मैनेजर में अपडेट था, आप लोगों ने शायद देखा है। और पैनल्स में सिर्फ रिसेंट पैनल का ही आपको एक कस्टमाइजेशन मिलेगा। और यहाँ पे आप चाहो तो मेमोरी बार को शो कर सकते हो, यानी कि रैम कितना बाकी है आपके पास, कितना फ्री है आपके पास, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और अब तो 820 MB का रैम बाकी है तो ठीक ही है, मैं कहूँगा रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोम काफ़ी स्टेबल है अगर आपने अभी भी कोई कस्टम रोम नहीं यूज़ किया है। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई नया कस्टम रोम यूज़ करना चाहते हो जिसमें मीडियम किस्म का कस्टमाइजेशन हो और रोम स्टेबल हो, तो एटॉमिक ओएस आपके लिए अच्छा है। और टीम डार्कनेस ने इसे बनाया है, जो लोग डार्कनेस रिडिफाइन रोम भी बनाते थे बनाया उन लोगों ने अभी भी बना उन लोग बना रहे हैं सीरियसली। तो आप ले सकते हो इस रोम को, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा पैरानॉइड एंड्रॉइड का कैमरा अभी तक मेरे लिए बेस्ट है। फोकसिंग काफ़ी अच्छा है, फोकसिंग काफ़ी क्रिस्प है। आपको थोड़ा बहुत डार्कन लगेगा इमेज क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इमेजेस ब्रॉड डेलाइट में काफ़ी अच्छा आने वाला है, डिसेंट आने वाला है मैं कहूँगा। लेकिन पैरानॉइड एंड्रॉइड का कैमरा मुझे और भी अच्छा लगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा वीडियो मोड में, वीडियो मोड भी आपको दिखाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा में, वीडियो मोड में वही सेम प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत जूम इन हो जाता है। मैंने स्टेबिलिटी फेबिलिटी सब कुछ चेक कर लिया है स्टेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन वो तो वहाँ पे भी मैंने नहीं था कि जूम इन तो हो रहा है, तो जूम इन ज़रूर होगा, यहाँ पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो प्लेयर जो है वो अच्छे से काम भी करता है, मीन जो वीडियो प्लेयर इन बिल्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा MX प्लेयर को ज़रूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि कौन नहीं करता। एनीवेज दोस्तों हमारा टारगेट है इस ईयर के अंत में 50,000 सब्सक्राइबर गेन करना, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल में लेकर आइए और उन लोगों से भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि 50,000 बनाना है। और लगभग 63,000 के आसपास स्कोर है एंड्रॉइड में, जो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। कस्टमाइजेशन को देने के बावजूद भी हम लोगों को इतना स्कोर मिल रहा है, पिछले कोई भी रोम में मुझे याद नहीं है कि मुझे मिला था या नहीं। बहुत ही कम ऐप है यहाँ पर, Antutu का जो ऐप है वो मैंने खुद डाउनलोड किया था, टीम डार्कनेस का, ये जो देख सकते हो आप डार्कनेस रिडिफाइंड, एटॉमिक ओएस, और इसके बाद शायद न्यूक्लियर ओएस भी आने वाला है। नहीं, न्यूक्लियर ओएस शायद नहीं आने वाला, मैं जोक कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से, बेल बटन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, और भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है जरूर चेक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।